छत्तीसगढ़ की जनता के लिए रविवार का दिन ऐतिहासिक रहा। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इस खास मौके पर पीएम के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सांसद राजेंद्र अग्रवाल समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। पीएम मोदी का मेरठ का ये चौथा दौरा रहा, जिसमें उन्होंने सबसे पहले शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को नमन किया, फिर सीधा ओघरनाथ मंदिर पहुंचे। इसके बाद पीएम ने मेरठ के सरधना के पास सलावा में बनने जा रही यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने जिस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी, वो कई मायनों में खिलाड़ियों को फायदा पहुंचाने वाली साबित होगी। 700 करोड़ की लागत से बनने जा रहा मेरठ का ये खेल विश्वविद्यालय कई सुख सुविधाओं से लैस होगा। चलिए आपको बताते हैं इसकी खासियतें। ये विश्वविद्यालय आधुनिक और उत्कृष्ट खेल अवसंरचना से लैस होगा। सिंथेटिक हॉकी मैदान, फुटबॉल मैदान, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और कबड्डी ग्राउंड बनाया जाएगा। टेनिस कोर्ट, जिम्नेजियम हॉल, सिंथेटिक रनिंग स्टेडियम, स्विमिंग पूल, मल्टीपल यूज ऑडिटोरियम और साइकिल वेलोड्रोम भी बनाया जाएगा। इसके साथ साथ निशानेबाजी, स्क्वैश, जिम्नास्टिक, वेटलिफ्टिंग, तीरंदाजी, कैनोइंग और कयाकिंग जैसी सुविधाएं होंगी। इस खेल यूनिवर्सिटी में 540 महिलाएं और 540 पुरुष खिलाड़ियों को मिलाकर 1080 खिलाड़ियों को एडमिशन देकर उच्च स्तरीय खेल शिक्षा देने की क्षमता होगी। इसमें ओलंपिक के सभी खेलों से जुड़े खिलाड़ियों को एंट्री मिलेगी। अलग अलग खेलों के लिए इंटरनेशनल लेवल के ट्रैक और स्टेडियम तैयार होंगे। एथलेटिक्स के साथ साथ फुटबॉल, जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो खेल प्रतियोगिताएं हो सकेंगी। विश्वविद्यालय में आउटडोर गेम्स के लिए लगभग 25,000 से 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। कुश्ती, खो खो और कबड्डी जैसे इंडोर गेम्स के लिए लगभग 5,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। तीरंदाजी के साथ साथ शूटिंग रेंज भी होगी। इस खेल विश्वविद्यालय में विश्व स्तरीय टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। गंग नहर के किनारे बनने वाली इस यूनिवर्सिटी में राफ्टिंग और रोइंग, नौकायन जैसे जलीय खेलों का प्रशिक्षण भी होगा। यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल सुविधा भी होगी। इसके अलावा मल्टीपर्पज हॉल, जिम, योगा सेंटर, गार्ड रूम, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल, 100 मीटर ट्रैक, हॉकी ग्राउंड, सब तरह की सुविधा होगी। सबसे खास बात ये, विश्वविद्यालय भारत की प्राचीन नागर शैली में तैयार होगा। अधिकतर भारत के कई प्रसिद्ध मंदिर इसी शैली में निर्मित हैं। निश्चित तौर पर मेरठ में बनने जा रही ये खेल यूनिवर्सिटी पूरे प्रदेश के युवाओं के लिए फायदेमंद साबित होगी। बहरहाल आप मोदी सरकार के इस कदम को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।